मेरे प्यारे सीए स्टूडेंट्स, ये 23rd कल के मई 23rd के दिन शाम को 5 बजे 5:30 बजे को अपना आईसीए प्रेसिडेंट का एक मीटिंग हुआ है कि स्टूडेंट्स का जो सारा डाउट्स है कि ये जुलाई की एग्ज़ाम और अगस्त की एग्ज़ाम या कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, इसका बारे में और सारा सा क्वेश्चंस डाउट्स था, इसलिए उसका सॉल्यूशन दे दिया है कि आपके सामने मैं एक 8 पॉइंट्स लगा रहा हूँ, हाईलाइट्स लगा रहा हूँ। पहला है कि आपका सीए एग्ज़ामिनेशन 100% कंडक्ट होगा, ये जुलाई अगस्त के जैसा टाइम टेबल ने आपको दिया था उसके हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। और दूसरा है, इस बार ने आप डिजिटल चेकिंग में स्टार्ट कर दिया और डिजिटल चेकिंग की वजह से अपना ये चेकिंग का टाइम कम होगा, सो अपना एक अगला एग्ज़ाम के लिए इस समय मिलेगा। और तीसरा है कि नवंबर एग्ज़ाम जो भी नवंबर में होना है, मगर वो नवंबर में नहीं हो सकता क्योंकि आपने आपको मालूम है सर अच्छा सा ये लॉकडाउन और ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने की वजह से नवंबर में नहीं होगा, मगर वो दिसंबर में तो हर किसी पर होगा, दिसंबर से तो आगे नहीं बढ़ेगा। और एक करेक्शन विंडो है वो है क्या है? आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज के लिए रहेगा, मगर आपका ग्रुप चेंज के लिए नहीं हो सकता। और ये 5 वाली है, एग्जामिनेशन का टफनेस जैसा रहेंगे वैसी होगा, ये आपको ये जो ज़्यादा सा टाइम मिलने का वजह से एग्जामिनेशन पेपर अपन को जरा टफ आएंगे बोल के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने आपका दुश्मन नहीं है, थोड़िए तो सेम रहेंगे, तो आपको इसका बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। और ये दूसरा वाला रीवेरिफिकेशन है, सो एग्जामिनेशन का रीवेरिफिकेशन पेपर, तो आपका ये रीवेरिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर करेंगे। अच्छा, और ये सेकंड मार्क टेस्ट भी होगा आपका, मगर उसका तारीख तो डिसाइड नहीं करा, मगर जितना जल्दी हो तो उतना जल्दी उसका डेट भी आपको बताएंगे। और ये लास्ट वाला, ये आर्टिकल स्टूडेंट है, जो भी आर्टिकल स्टूडेंट है, ये लॉकडाउन के पीरियड के वजह से उन लोगों का ऑफिस को अटेंड नहीं हुआ था, तो उसको लीव नहीं कंसिडर करते, उसका लीव नहीं बनता उसका, तो आपका ये जो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और आपके बहुत सारे सीए आर्टिकल स्टूडेंट का बीच में उन लोगों का शर्त की वजह से होगा, उन लोगों का कंडीशंस की वजह के रहेंगे। और क्या लास्ट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अभी आपको 65 डेज है एग्ज़ामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए, तो अच्छा टाइम है, जब बहुत ज़्यादा टाइम मिला आपको है, आपका जो भी टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और टफ कर लीजिए, हर किसी पर ये एग्ज़ामिनेशन आपने पास होना चाहिए, समझ लेना कि आप अगर स्ट्रांग है तो समझ लेते हो तो स्ट्रांग है, नहीं मैं वीक हूँ नहीं कर सकता हूँ तो आप वीक ही रहेंगे, अपना हाथ में है, तो अच्छा से रहिए, एग्ज़ामिनेशन प्रिपेयर करो और हेल्थी फूड खा लेना, हेल्थी रहना, ब्रेन एक्सरसाइज कर लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लीजिए और ऑलवेज ए पॉजिटिव माइंड रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रहना, बी पॉजिटिव, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड गुड प्रिपरेशन, बस शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।